अमरोहा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बदमाशों ने जूता कारोबारी के घर में डाली डकैती। हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीढ़ी लगाकर कारोबारी के घर में घुसे बदमाश। विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। बदमाशों ने जूता कारोबारी को गोली मार दी। कारोबारी के भाई के सिर पर वार किए और वो घायल हो गया, जिसके बाद 2 लाख रुपए और सोने के गहने लूट कर हुए फरार। हसनपुर नगर की सैनी कॉलोनी का ये मामला है। तो बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं उसकी बानगी ये देखने को मिली है। लगातार देखा जा रहा है कि बदमाशों के हौसले अमरोहा में बुलंद होते जा रहे हैं। 5 लोग थे। हाँ, पहले मुझ पे जाके हमला किया उन्होंने, मेरे कुंडल छीने। मैंने मना किया तो बेटी पे हथियार धर दिया। मजबूरी में मुझे कुंडल देने पड़ गए उन्हें। उसके बाद हमारे पति जी को मारपीट करके उनके साथ उनके मार के हमारे देवर भागे पकड़ने के, तो उनके गोली निकाल दी। कितने लोगों के चोट आई? 2 लोगों के खुली। तो और नुकसान कितना हुआ आपको? नुकसान कुंडल गए हैं और 2 लाख रुपए गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गुफरान जुड़ गए हैं। गुफरान, लगातार जो देखा जा रहा है अमरोहा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, आए दिन जो है लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है ज्यादा इस खबर पर? देखिए बिल्कुल खुशबू, बता दूं ये पूरा मामला अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के सैनी कॉलोनी का है। गन पॉइंट में लेकर उस परिवार के साथ पार्टी और ज्वेलरी समेत 2 लाख से अधिक रुपए की नकदी लूट ली है और ज्वेलरी भी लूटी है। फिलहाल मौके से 5ों बदमाश गन पॉइंट में लेकर फरार है और बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल बता दूं, पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और साफ तौर पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा का कहना है कि हमने इस पूरे मामले में 5 टीमें गठित। गुफरान, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।